सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है हाई फॉर काशिम के इस व्लॉग में। ओके नेक्स्ट, सो गाइस आगे हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग व्लॉग के साथ में, और गाइस मुस्तजाब एड की तरह इधर कभी इधर आए जा रहा है। सो गाइस आज का मेरा व्लॉग होने वाला है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, क्योंकि हमारा मतलब 5-1 जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा चालू है, ठीक है। तो उसकी हमने सोनोग्राफी कराया है, ये वजह से मेरा पिछला ब्लॉग भी नहीं आ पाया। मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह पा रही है। कभी ठीक रहती है, कभी वीकनेस रहती है, कभी कुछ रहता है, मुस्तजाब ऐड की तरह, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ऐड की तरह आ रहा है और ऐड की तरह जा रहा है। सो गाइज मैं दिखाती हूँ मेरा माशाल्लाह बेबी कितना अच्छा हो गया है। गाइज मैं आप लोगों को आज दिखाती हूँ, ठीक है। मैं इतना मतलब ये हो गया था ना, क्योंकि ये वाली जो सोनोग्राफी रहती ना, एनोमली सोनोग्राफी होती है ऐसी कुछ इसका नाम है गाइज, तो ये वाली हमारी सोनोग्राफी थी और इतने अच्छे से हुई ना। जब डॉक्टर ने मुझे मतलब जो सोनोग्राफी करती लेडी डॉक्टर से मैंने करवाई, जब वो बेबी को ऐसा ब्लैक एंड वाइट करके ना, जैसे हमारा स्किन का कलर है ना वैसा दिखा रहे थे, इतना प्यारा लग रहा था ना बेबी, इतना प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम फेस टू फेस ऐसा देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था इतना प्यारा। और फिर मैंने डॉक्टर से ये क्वेश्चन की, डॉक्टर आप जो मुझे ऐसे दिखा रहे हो तो आपको वो बेबी क्लियर, क्योंकि मुझे ब्लर ब्लर दिख रहा था। वो डॉक्टर उसमें भी डॉक्टर ऐसा क्लिक कर करके क्या क्या पिक्चर्स उन्होंने निकाले हैं, लेकिन इतनी ब्लर मतलब ऐसा सामने से दिख रहा था। डॉक्टर एक मशीन यहाँ थी, एक मशीन सामने थी मेरे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया सच्ची में। यहाँ पे इतने सारे मेरे बेबी के पिक्चर्स उन्होंने निकाल के दिए, अलग अलग पिक्चर्स निकाल के दिए गाइस। ये देखो तुम लोग, ये पीछे बच्चे की रीढ़ की हड्डी, ये बेबी एकदम साफ दिख रहा है। ये देखो ये वाले पिक्चर में बेबी ऐसा स्ट्रेट लेटा है, और ऐसा हो गया ना गाइस कि गाइस नाज मम्मी पीछे से बोल रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, वो विंडो में से अलबाज से मतलब उनके बेटे से बात कर रहे हैं। तो गाइस बेबी हिल रही नहीं, पीछे ही लेटा है, पीछे ही होके ना ऐसा 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 कर रहा है। वो डॉक्टर मुझे सब दिखा रहे, तो डॉक्टर ने ये बोले कि बेटा तुम ना पहले चॉकलेट खा लो, कुछ खा लो, और फिर हम वापस से सोनोग्राफी करते हैं। तो मेरा ये था नहीं हो रही अभी, क्योंकि ये सोनोग्राफी में 1 घंटा लग गया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है। बेबी का ब्रेन डेवलप होता है, बेबी की चीज़ें सारी जो होती है वो डेवलप होती है, सब कुछ होता है। तो 5 मंथ में बहुत सारी चीज़ें बच्चे की मतलब डेवलप होती है। तो उसमें ये हुआ कि जाओ तुम जाके चॉकलेट खा के, और काशिफ का ये था, काशिफ को उन्होंने अंदर नहीं लिए। अब मेरी जितनी भी सोनोग्राफी हुई ना, काशिफ सब में अंदर आए, सब में हर सोनोग्राफी में अंदर आया। अब ये टाइम ऐसा, डॉक्टर भी हमारा चेंज हो गया और फिर मुस्तजा बैठ दे दिया डॉक्टर हमारा चेंज हो गया, मुझ तू नहीं कर मम्मा, नहीं करो गाइस, डॉक्टर भी हमारा चेंज हो गया। अब जेंट्स डॉक्टर सोनोग्राफी करवा रहे थे हम, फिर यहाँ पे लेडीज डॉक्टर से सोनोग्राफी करवाया हमने। काशिफ को अंदर आने नहीं दे रहे थे, तो काशिफ का ये था कि यार मुझे अंदर आने, और मेरी सोनोग्राफी चालू, और काशिफ मुझे कॉल करे हाई फॉर डॉक्टर को बोलो मेरे को अंदर आने नहीं दे रहे, क्योंकि आने देते हैं ना अंदर इस वजह से। फिर उसके बाद में काशिफ को डॉक्टर ने बोले कि 1 मिनट मैं पूरा चेकअप कर लेती, फिर आपको मैं बुलाऊंगी और आराम से बताऊंगी, देखो ये बेबी का ये है, ऐसा है, वैसा है, मतलब जो जो चीज़ है उसमें इम्प्रूव हुई है। और मेरी सोनोग्राफी इतनी अच्छी आई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये मेरे बेबी का फोटो है स्ट्रेट लेटा हुआ, मेरे बेबी की इतनी सारी ये पिक्चर्स है, यहाँ पे पूरा बेबी है यहाँ पे, ये देखो और भी है बहुत सारे पिक्चर्स डॉक्टर ने मुझसे, ये कौन है पापा। सो गाइस ये है, फिर ये तो इसमें इतना ये नहीं था, फिर यहाँ पे ये देखो ब्लैक एंड वाइट में भी उन्होंने हमें पिक्चर्स दिए, ब्लैक एंड वाइट में, कलरफुल में, सब में पिक्चर्स है। यहाँ पे बेबी का ब्रेन है, यहाँ पे बेबी की अंदर की जो चीज़ें हैं
जैसे हार्ट हो गया ये सब, मतलब बेबी की हार्ट बीट, यहाँ पे बेबी की हार्ट बीट है, तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई। हाँ फिर यहाँ पे, हाँ ये बेबी का पैर है, ये पैर है, ये बेबी का ब्रेन है, ये ब्रेन है बेबी के, बेबी के ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स है यहाँ पे। तो अभी तो इतना, मतलब मुझे जितना सोनोग्राफी करते टाइम डॉक्टर ने बताया ना, तो उतना चीज़ें मुझे पता है, वो चीज़ मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ गाइस। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई थी, और वो मज़ा मेरा तब तक का ही था जब तक कि मेरा ब्लड टेस्ट नहीं होता। जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखे हैं कि मेरा ब्लड टेस्ट जो है वो हुआ नहीं है, मेरा ब्लड टेस्ट जस्ट हुआ था, ठीक है। आइए लो पापा देखो तुम पापा। तो गाइस वहाँ पे मेरा जब ब्लड लेकर गए वो, उसके बाद में ऐसा हो गया कि मेरे अंदर, मतलब क्या नाम था वो, काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स है मेरी वो सारी नॉर्मल है, बस एक क्या हुआ है, हेमोग्लोबिन कम है, और क्या, बस खून बहुत ही ज़्यादा कम है मेरी बॉडी में, 9 होना चाहिए, 12 कुछ होना चाहिए, तो 9 है। तो उस चीज़ का अब हम डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर से हमने रिपोर्ट भेजा है, तो वो डॉक्टर मेडिसिन क्या स्टार्ट करते हैं क्या नहीं है वो हम देखते हैं। सो गाइज अब हम देखेंगे कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर को, और हाँ मैंने आप लोगों को बोली थी कि इस बार डॉक्टर के पास जाएंगे तो मुझे डांटी पड़ती है कि नहीं मुझे नहीं पता, और इस बार मुझे डांटी नहीं पड़ी, मम्मा को डांटी नहीं पड़ी, क्योंकि मम्मा की सारी रिपोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये वजह से डॉक्टर ने, हाँ लेकिन उसमें भी एक गलती हो गई थी, उसमें भी, हाँ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, उसमें भी एक गलती हो गई थी कि डॉक्टर को, मम्मा नहीं घूमते ऐसे, खाला के गोल गोल नहीं घूमते बेटू। अरे अरे बापरे, अरे बापरे, अरे बापरे। तो दवाई मैंने बीच में बहुत सारा गैप किया है, डॉक्टर ने मुझे 15 की दवा दी थी और 1 हो गया है मेरी दवा ख़त्म नहीं हुई। हाँ मेरा बच्चा, गाइस मुस्तु को पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ उसी की तरफ चाहिए, मम्मा सिर्फ मेरे पे ध्यान दे, मुस्तु का बर्थडे है, मुस्तु का बर्थडे है, मुस्तु का बर्थडे है, मुस्तु का बर्थडे है, ये मेरा बच्चा इतना खुश होता है ना, अरे उसको हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मुस्तु, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मुस्तु, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मुस्तु, ये गाइस देखिए कितना वो अपनी बर्थडे को लेके एक्साइटेड है। तो मुस्तु की बर्थडे की प्रेपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की सब कुछ हो चुकी है, बस ये रहे कि आगे भी अच्छे से होए मुस्तु की बर्थडे की प्रेपरेशंस। हम तो यही सोच रहे हैं कि हम हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट करें। काशिफ को इतना टेंशन है मुस्तु की बर्थडे का, बिकॉज काशिफ के साथ में हमारा ये फर्स्ट सेलिब्रेशन है, तो काशिफ बहुत सारा टेंशन ले रहे हैं कि सब कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और काशिफ आज घर में है भी नहीं, गए हैं मतलब गोवंडी गए हैं, वहाँ से उनको कुछ सामान लाने था मुस्तु की बर्थडे का, तो वो वहाँ चले गए और मैं यहाँ पे ही हूँ। मेरे घर पे नाज मम्मी है, शवाकी है, अक्षद है, हाँ ये बस हो गया, बस हो गया, ये ऐसे ही करता रहेगा। मैं क्या बोल रही थी, मैं वो, हाँ क्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मुस्तु, मुस्तु देखी वापिस से ले उसको, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मुस्तु बोलो तुम भी, टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मुस्तु, बोलो मुस्तु। अभी नहीं बोलेगा, अभी नहीं बोलेगा वो, जब हम कैमरा लेते हैं ना गाइस तो कैसा बच्चे हमारा पचका कर लेते हैं कि नहीं, हाँ मैं नहीं बोलूँगा, हाँ मम्मा,
नहीं बस हो गया ना मम्मा, बच हो गया। सो गाइस बस इसी तरह अच्छे से सब चीजें हो, आप लोग भी दुआ करो मेरे लिए, उसके लिए, और मैं क्या बोल रही थी वो मैं भूल गई हूँ, तो इंशाल्लाह हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस जैसे भी हो गया हम सारी अपडेट्स आप लोगों को देते ही जाएंगे, जैसे धीरे धीरे अपडेट्स आ ही रही है। मुझे बर्थडे की हो गई, मेरी डिलीवरी से रिलेटेड हो गई, अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग चीजें करने वाले हैं जैसे जैसे ये ब्लॉग आते जाएंगे। तो गाइस चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग यही एंड कर रही हूँ, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूले, हिट द बेल आइकन, अल्लाह हाफिज़।